व्हाट इज द मेमोरी प्रोटेक्शन? फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. लेट्स से कि हमारे कुछ पेजेस हैं जो कि मेन मेमोरी में रखे हुए हैं. अकॉर्डिंगली आप क्या करेंगे, पेज मैप टेबल. ठीक है, हमारे जो पेजेस हैं किसी प्रोसेस के, देयर आर सर्टेन पेजेस, वी आर गोइंग टू कीप देम इन द मेन मेमोरी. सो दैट्स व्हाई आई विल मेंटेन अ पेज टेबल. यूजुअली इन द पेज टेबल द एंट्रीज आर फ्रेम नंबर. ओके, फ्रेम नंबर की एंट्रीज में होती है. लेकिन पेज टेबल में केवल फ्रेम नंबर की ही एंट्री नहीं होती, कुछ और चीजों की भी एंट्री होती है. वो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमने एक पेज नंबर रेफर किया. मान लीजिए कि सीपीयू ने पेज नंबर रेफर किया, चार ही पेज आपके पास है और सीपीयू ने पेज नंबर रेफर किया 6. क्या 6 पेज नंबर आपको यहाँ दिख रहा है इस अपने प्रोसेस में? यस और नो, दिख रहा है या नहीं दिख रहा? सीपीयू ने 6 पेज नंबर रेफर कर दिया, अब आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा? जस्ट एक छोटा सा आंसर. नो सर. बताइए प्रोसेस में 6 पेज नंबर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? नो सर, नहीं दिख रहा है पेज नंबर. अच्छा, अगर प्रोसेस में नहीं दिख रहा है इसका मतलब कि है भी नहीं पेज नंबर 6. फिलहाल हमने पेज नंबर 6 को रेफर नहीं किया, हो सकता है फ्यूचर में रेफर करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इस प्रोसेस के हिसाब से नहीं दिख रहा है. लेकिन ऐसा हो सकता है कि इस पेज टेबल में बहुत सारी एंट्रीज और पड़ी हो सकता है कि इसमें 0, 1, 2, 3 के बाद 4, 5, 6, 7 इन सब पेज की भी एंट्री पड़ी हो सकता है. पड़ी क्यों पड़ी होगी? क्योंकि जब एक पेज टेबल, मतलब पेज टेबल कब बन रहा है, जब प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए आ रहा है. तो जब हमारा प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए आ रहा है तो पेज टेबल बन रही है. फिर उसके बाद ये हो रहा है कि प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो रहा है तो वो पेज टेबल खाली हो जा रही है. जब वो पेज टेबल खाली हो जा रही है तो हम क्या कर रहे हैं कि उसको दूसरे दूसरे काम के लिए यूटिलाइज कर ले. तो ऐसा समझिए, लेट्स से हमारे पास एक प्रोसेस आया और उस प्रोसेस में 8 पेजेस थे. ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन सो फोर्थ, 8 पेजेस. तो हमने एक पेज टेबल बनाई. ठीक है, हमने एक पेज टेबल बना ली. पेज टेबल बनाई तो इसमें 0 पेज नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन सब के लिए एंट्री है. और इन सब के लिए कौन कौन सी एंट्री है? हमारे लिए फ्रेम नंबर की एंट्री है. अब मान लीजिए कि इस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन फिनिश हो गया. जब इस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन फिनिश हो गया तो मैंने क्या किया कि इस पेज टेबल की एंट्रीज को फ्लश कर दिया. ठीक है, इस पेज टेबल की जो एंट्रीज है उसको फ्लश कर दिया. लेकिन अब हम क्या करने जा रहे हैं कि इस पेज को यूटिलाइज हम करेंगे. ठीक है, इस पेज को हम रीयूटिलाइज करेंगे. ठीक है, पेज को अगर हम रीयूटिलाइज करेंगे तो क्या करेंगे कि हमने एक पेज लिया, पर एक प्रोसेस आया, दूसरा प्रोसेस P2 है, इसका पेज नंबर है 0, 1, 2, 3. ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि इन पेज नंबर्स को इसमें एडजस्ट कर देंगे. कहीं पे भी हम एडजस्ट कर देंगे, मान लीजिए कि यहाँ एडजस्ट हमने कर पेज टेबल में. लेकिन जो एंट्रीज 4, 5, 6, 7 हैं वो वैलिड फ्रेम नंबर को रेफर नहीं करेंगे. ठीक है, तो हमने यहाँ पे वैलिड और इनवैलिड का कॉन्सेप्ट रखा है. वैलिड इक्वल्स टू 1 अगर मेरा पेज मेन मेमोरी में है, और वैलिड इक्वल्स टू 0 इसका मतलब कि हमारा पेज मेन मेमोरी में नहीं. और ये वैलिड और इनवैलिड का कॉन्सेप्ट फिलहाल देखिए, दिस इज नॉट द ओनली सिचुएशन जिसमें वैलिड इनवैलिड आएगा. देर आर मेनी मोर सिचुएशन. अभी डिमांड पेजिंग की जब बात आएगी तो वहां पे भी हम लोग देखेंगे कि वहां पे भी ये यूज होगा. तो चूंकि हम पेज टेबल को रीयूटिलाइज करना चाहते हैं, उसको रीयूज करना चाहते हैं, तो पेज टेबल में बहुत सारी एंट्री होंगी. कुछ एंट्रीज में हम फ्रेम नंबर रखेंगे जो प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड होगा, और कुछ में नहीं रखेंगे. तो इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि किस पेज को, मतलब किस सेल में एंट्री जो है वो सही एंट्री है, किस सेल में एंट्री सही नहीं. तो इसके लिए हमने वैलिड और इनवैलिड बिट का कॉन्सेप्ट रखा. तो वैलिड इक्वल्स टू 1 अगर है इसका मतलब कि ये हमारे प्रोसेस का पेज है, और वैलिड इक्वल्स टू अगर 0 इसका मतलब क्या है कि हमारे प्रोसेस का पेज ये नहीं. अगर सीपीयू गलती से भी किसी ऐसे पेज को रेफर करने की कोशिश करेगा, लेट्स से पेज नंबर 5 को रेफर करने की कोशिश कर रहा है जो एक्चुअली है ही नहीं इसमें, तो उस केस में वैलिड की वैल्यू 0 होगी. तो इसे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि नहीं, ये जो पेज नंबर सीपीयू ने रेफर किया वो गलत पेज नंबर है. उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम एक मेमोरी एड्रेस एरर या ट्रैप इशू करते हैं. ओके, तो यहाँ पे वैलिड और इनवैलिड बिट का भी कॉन्सेप्ट होता है पेज टेबल में, और पेज टेबल में फ्रेम नंबर के अलावा वैलिड इनवैलिड बिट भी होती है. और हम लोग जब पेज टेबल के बारे में और पढ़ेंगे, डिमांड पेजिंग के बारे में पढ़ेंगे, तो वैलिड इनवैलिड का कॉन्सेप्ट वहां से थोड़ा सा और क्लियर होगा आपको. तो जरूरी नहीं कि हमारे
बस जो जो पेज टेबल है उसमें केवल वैलिड एंट्रीज ही हों, इनवैलिड एंट्रीज भी हो सकती हैं। उन इनवैलिड पेज नंबर्स के लिए हमें वैलिड या इनवैलिड बिट का कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। ये जो चीज मैंने बताई इस डायग्राम में बताया गया है, यहाँ यहाँ हमारे प्रोसेस में 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये वैलिड पेजेस हैं। इन पेजेस के कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर की एंट्री हमारी की गई है पेज टेबल में, इसीलिए वैलिड बिट या को वी लिखा गया है, इसको हम 1 लिखेंगे एक्चुअली। और 6 और 7 पेज हमारा एग्जिस्ट नहीं करता इस प्रोसेस में, इसलिए यहाँ पे इनवैलिड बिट दी गई, इस इनवैलिड को हम 0 लिखेंगे। ठीक है, तो अभी अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि पेज टेबल में केवल फ्रेम नंबर नहीं होता है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अगर मेरे पेज टेबल में फ्रेम नंबर के अलावा भी और चीजें हैं, तो एक तो निश्चित रूप से वैलिड और इनवैलिड है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हमारे पेज टेबल में होती हैं। तो पहली एंट्री हमारी हो गई वैलिड इनवैलिड, दूसरा हो गया फ्रेम नंबर, ये तो होता ही है। इसके अलावा कौन कौन सी बिट्स हो सकती हैं हमारे पेज टेबल में, या कौन कौन सी एंट्री हो सकती हैं? रेफरेंस बिट। रेफरेंस बिट का मतलब है कि हमारा जो पेज है वो रेफर किया गया है कभी कि नहीं रेफर किया। हमने डाल तो दिया पेज पेज को फ्रेम में, लेकिन क्या सीपीयू ने कभी इसको रेफर किया है? अगर रेफर किया है तो 1, अदरवाइज 0। ठीक है, एम का मतलब क्या है कि क्या हमारा पेज मॉडिफाई किया गया है कभी? भाई हमने प्रोसेस को जब मेन मेमोरी में रखा तो किसी प्रोसेस के थ्रू हमारा डाटा या इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन तो नहीं होगा लेकिन हाँ डाटा तो हमारा मॉडिफाई हो सकता है। तो अगर डाटा मॉडिफाई हो रहा है तो मॉडिफाइड बिट को हम 1 लिखेंगे और अदरवाइज हम 0 लिखेंगे। मॉडिफाइड या मॉडिफिकेशन बिट क्यों इंपॉर्टेंट हमारे लिए है कि जब हम राइट बैक पॉलिसीज का यूज करेंगे, आप लोगों ने सीपीयू में सॉरी सीओ में पढ़ा होगा, जब कोई डाटा मॉडिफाई किया जाता है तो उसको वापस करते समय हम राइट बैक करते हैं, तो उसमें पॉलिसीज होती हैं उसकी। तो मॉडिफाई अगर 1 है तो इसका मतलब कि हमें ध्यान रखना है कि जब हम डाटा को वापस करेंगे हार्ड डिस्क को तो उस समय हमें वो चेंजेस करने हैं वहां पे, तो या तो मॉडिफाई हुआ है या नहीं हुआ है, 1 या 0। ठीक है, इसी तरह से जो हमने डाटा रखा है या जो इंस्ट्रक्शन रखा है उसमें हमने कुछ प्रोटेक्शन अप्लाई कर रखा है, हो सकता है कि वो केवल रीड ओनली है ना, उसको हम राइट नहीं कर सकते हैं। तो हो सकता है कि रीड को हम 0 दिखाएं और राइट को हम 1 दिखाएं। जो रीड हो सकता है केवल वो 0 है, और जो रीड राइट दोनों हो सकता है उसके लिए 1 होगा। तो ये सारी बिट्स इसमें होती हैं। और भी चीजें हैं इसमें, देखिए इसमें प्रेजेंट एब्सेंट बिट है, एंड देन सी है जिसको कि हम कैशिंग डिसेबल्ड बिट करें, इसका मतलब क्या है कि हम कैशिंग नहीं करना चाहते अपने डाटा का, तो इसमें कैशिंग डिसेबल्ड बिट हो जाएगी अपनी। So there are many more entries here in the page table. These are not the only one I'm telling you. ये कुछ हैं, these are some of the entries. But there may be many more entries in the page table. Okay? इसको ध्यान में रखते हुए एक क्वेश्चन है आपके लिए। The question is, in a virtual memory system, size of virtual memory address is 32 bit. अब virtual memory जो logical memory logical address मान लीजिए, virtual address या logical address मैंने आपको बताया था कि हमारा जो लॉजिकल एड्रेस है या वर्चुअल एड्रेस है वो 32 बिट का, दिस इज गिवन हियर। साइज ऑफ फिजिकल एड्रेस इज 30 बिट। चलिए ठीक है, 30 बिट का मेरा फिजिकल एड्रेस, ये लॉजिकल एड्रेस है, ये फिजिकल एड्रेस। द मेन मेमोरी इज बाइट एड्रेसेबल, इसका मतलब एक ही बाइट एक बार में एड्रेस होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स दैट कैन बी यूज फॉर स्टोरिंग प्रोटेक्शन एंड अदर इंफॉर्मेशन इन द पेज टेबल। ठीक है, प्रोटेक्शन और अदर चीजों को स्टोर करने के लिए कौन कौन सी एंट्रीज होंगी पेज टेबल में, या कितने बिट की एंट्रीज होंगी? ठीक है, अच्छा और भी कुछ गिवन है, पेज साइज इज 4 KB, पेज की साइज 4 KB, एंड साइज ऑफ ईच टेबल एंट्री इज 32 बिट। साइज ऑफ ईच टेबल एंट्री इज 32 बिट, मतलब क्या है कि जब आप पेज टेबल में एंट्री करेंगे तो एक टेबल की जो एंट्री होगी वो 32। तो आपको यह पता करना है कि प्रोटेक्शन और अदर इंफॉर्मेशन के लिए कितने बिट का यूज हो रहा है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि वर्चुअल मेमोरी का साइज, वर्चुअल मेमोरी का एड्रेस हमें पता है और फिजिकल मेमोरी का एड्रेस हमें पता है, 32 बिट 30 बिट। लॉजिकल एड्रेस या वर्चुअल एड्रेस में दो पार्ट होते हैं, पेज नंबर एंड ऑफसेट। फिजिकल एड्रेस में दो पार्ट होते हैं, फ्रेम नंबर एंड ऑफसेट। यहाँ पे पेज की साइज कही जा रही है 4 KB। ठीक है, पेज की साइजेस 4 KB, 4 KB मतलब कि क्या हो गया, 2 raised to the power 12 bytes। तो ये हमारा पेज की साइज है, एक बाइट को रेफर करने के लिए पेज के पेज में 12 बिट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए ऑफसेट हमारा 12 बिट का है। अगर ऑफसेट 12 बिट का यहाँ है तो ऑफसेट 12 बिट का यहाँ होगा।
है, पेज नंबर कितना हो जाएगा, 32 माइनस 12 मीन 20, फ्रेम नंबर कितना हो जाएगा 18, तो 18 बिट का फ्रेम नंबर है। पेज टेबल की एक एंट्री 32 बिट की है जिसमें से फ्रेम नंबर बिट जो है वो 18 बिट का है, बचे कितने, 32 माइनस 18 मीन्स 14 बिट। तो 14 बिट इज यूज फॉर प्रोटेक्शन एंड अदर इंफॉर्मेशन, 14 बिट्स आर यूज फॉर प्रोटेक्शन एंड अदर इंफॉर्मेशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो दोबारा से आपको बता रहा हूँ, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इन माई मेमोरी सिस्टम या जो हम पेजिंग स्कीम यूज कर रहे हैं उसमें पेज टेबल की एंट्री में फ्रेम नंबर के अलावा भी कुछ चीजें रखी गई। ओके, सो हमें पता है कि लॉजिकल एड्रेस जो हमारा है वो 32 बिट का है, फिजिकल एड्रेस जो हमारा है वो 30 बिट का है, जो पेज की साइज है वो है 4 किलोबाइट। अगर पेज की साइज 4 किलोबाइट है तो इसको हम 2^12 बाइट लिखेंगे। इनमें से एक बाइट को एक्सेस करने के लिए 12 बिट की हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए जो ऑफसेट की बिट्स हैं वो 12 हो गए। ठीक है, सेम ऑफसेट की बिट 12 फिजिकल एड्रेस में भी। लॉजिकल एड्रेस में 32 माइनस 12 20 बिट्स हो गई, किसमें, पेज नंबर में, और फिजिकल एड्रेस में फ्रेम नंबर कितना हो गया, 30 माइनस 12 18 बिट हो गया। ये हमको बताया गया है कि जो हम पेज टेबल बना रहे हैं उस पेज टेबल में हर एंट्री जो है वो 32 बिट की है, 32 बिट में से 18 बिट का हम यूज करेंगे फ्रेम नंबर को फाइंड करने के लिए, और बाकी की जो बिट्स बची मतलब कि 32 माइनस 18 14 बिट्स, ये हमारी प्रोटेक्शन एंड अदर इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज की जाएगी। तो 14 इज द करेक्ट आंसर।